बहुत दिनों बाद फिर से ट्रैवल करने को जा रहा हूँ एंड दिस टाइम आई एम ट्रैवलिंग टू वाराणसी। तो मैं अपनी जर्नी स्टार्ट कर रहा हूँ हावड़ा से एंड ऑनेस्टली बहुत सालों बाद मैं हावड़ा स्टेशन लौटा एंड वो एक नॉस्टैल्जिया सी तो फीलिंग है ही एंड मुझे बहुत अच्छा लग रहा है एंड मोर ओवर आई विल बी गोइंग बाय अ टू टायर एसी सो उसका भी एक अलग सा आनंद है। क्या हो सकता है सो ये हावड़ा के आउटर पे जहाँ पे ये ट्रेन कर्व ले रही है, कुछ भी बताओ ये जो ट्रेन जब भी कर्व ले दिया ना कितना अमेजिंग लगता है। एंड वाओ इस बार मुझे क्या ही ये सारे नज़ारे जस्ट मन को भा जाते हैं। कैप्चर आसानसोल जंक्शन सो खैर मुझे किसी काम से वाराणसी जाना था तो उसके लिए मुझे एडिक्वेट स्लीप बहुत ज़्यादा नेसेसरी था एंड अगेन यू गाइस कैन सी द ट्रेन इज टेकिंग कर्व बहुत अच्छा लगता है ये जब भी ट्रेन कर्व लेता है मुझे तो अच्छा लगता है मैं हमेशा ट्राई करता हूँ कि ये सारे कर्व्स मैं कैप्चर करके रहूँ। एंड हम कसितार से निकल रहे हैं चलो अब आगे मिलते हैं अगले स्टॉप पे।
जहाँ पे इस ट्रेन का 2 मिनट का हॉल्ट है, आफ्टर विच ही जस्ट डिपार्टेड। एंड आई गेस इसके बाद आप सबसे सीधी मेरी मुलाकात होगी। मुझे बहुत ज़्यादा नींद आ रही है तो मुझे अभी सोना है। Have a little patience and just look on to it. नजारा ही अच्छे लगे, जैसे जब हम इस ब्रिज से क्रॉस कर रहे हैं, इतना सुंदर नजारा लग रहा था। हाँ, अगर लाइट कुछ डिफरेंट कलर्स की होती तो डेफिनेटली और ज़्यादा अच्छा लगता, लेकिन मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। एंड हम लोग इस ब्रिज से क्रॉस करते हुए इसके बाद जो स्टेशन है दैट इज़ काशी, एंड फिर फाइनली आई विल डिवोट द ट्रेन एट वाराणसी जंक्शन। सिटी पंजाब में जाता था तो मेरी ट्रेन हमेशा इस रूट से ही जाती थी, सो आई एम वेरी मच फैमिली विद दिस पर्टिकुलर रूट। एंड मुझे हमेशा से मन था कि कभी वाराणसी उतर के थोड़ा घूम फिर के आ जाओ, बट चलो थोड़ा देर हुआ घूमने नहीं एग्जैक्टली यहाँ पे पहुँचने में, बट फिर भी ठीक है, मुझे इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो अभी हम लोग वाराणसी एंटर कर रहे हैं एंड आई गेस आज की रात मैं स्टेशन पे ही बताने वाला हूँ।
मैंने भी इसी तरीके से कुछ अपना डेरा जमा दिया और 4 घंटे की बात है थोड़ा सो भी लिया। सो व्हेन आई एम फ्री फ्रॉम व्हाट आई वाज डूइंग एट वाराणसी, जैसे फ्री होता हूँ तो अपने कुछ नए दोस्तों के साथ निकल पड़ता हूँ वाराणसी टहलने। सच में टहलने ही निकले थे हम लोग। सो ऐसे हम लोग इधर उधर थोड़ा घूम रहे थे, सोचा हम थोड़ा घाट जाए। सो अभी हम लोग घाट की ओर प्रस्थान करते हुए, अरे वाह मेरी हिंदी इतनी अच्छी, अगर स्कूल में होती तो शायद नंबर अच्छे आ जाते। और इसी के साथ साथ हम घाट की ओर आगे बढ़ रहे। वैसे भूख लगी थी, हम लोग जब निकले थे तो मेस से थोड़ा खा के निकले थे, बट स्टिल अब बाहर निकलेंगे तो भूख तो लगेगी ना। सो अब हम लोग आगे प्रस्थान करते हुए, लेट्स सी। वेल वाराणसी इज एक्चुअली एन अनप्लान्ड सिटी। सो हाँ थोड़ा कंजस्टेड था जरूर, लेकिन मुझे यहाँ की आर्किटेक्चर सच में बहुत पसंद आई, कोई दो राय नहीं। हाँ शायद किसको पसंद ना भी आ सकती है, लेकिन मुझे पर्सनली बहुत ही पसंद आया एंड वहाँ के लोग सच में बहुत ही अच्छे हैं। सवारी होने का कोई मौका ही नहीं मिला। अनफॉर्चुनेटली मैं स्टेशन लेट पहुंच रहा हूँ। सो मेरी ट्रेन है 4:55 पे और मैं पहुंच रहा हूँ अभी बजे है 4:20 एंड बहुत ही ज़्यादा लेट मेरे को ऐसा लगता है, क्योंकि मुझे पहले एसी लाउंज जाना है, थोड़ा रिफ्रेश होना है एंड फिर आई वांट टू बोर्ड द ट्रेन, बट लेट्स सी क्या होगा। एंड दिस इज दैट एसी लाउंज, वाओ सच में बहुत ही मस्त है। और ये उसका सेलिंग है। सो बिना वक्त गए मैं बहुत जल्द से रिफ्रेश होके एकदम 4:55 पे पहुंच जाता हूँ प्लेटफॉर्म नंबर 5 जहाँ से मेरी ट्रेन है। वहाँ पे जाके पता लगता है मेरी ट्रेन बस 1.5 घंटा लेट है। बताओ इस गर्मी में 1.5 घंटा लेट क्या हाल होती होगी। तो फाइनली मेरी ट्रेन आती है और ट्रस्ट मी ये ट्रेन स्टेशन के एक साइड, आई मीन प्लेटफॉर्म के एक साइड से दूसरे साइड तक आने में 1.5 मिनट लगाती है। और वैसे भी ये ट्रेन लेट करती है, मेरे को बहुत पहले से मालूम है, तो ठीक है लेकिन देर आए। अब मैं बस सोच रहा हूँ बस मेरे को कब तक ट्रेन के अंदर जाना है, जाके मस्त सा सोना है। हाँ ऑब्वियसली खा पी के सोना है, बट बहुत ज़्यादा टायर्ड हूँ। सो हियर्स द ट्रेन 13,006 अमृतसर से हावड़ा। सो चलो लेट्स बोर्ड द ट्रेन। लेट हो चुकी थी, लेकिन जब मेरी सुबह 4:00
36 मिनट पे आपके लिए। मैं देखा अरे वाह मेरी ट्रेन 10 मिनट एडवांस में चल रही है, चलो अच्छी बात है, मतलब मैं जल्दी घर पहुंचने वाला हूँ। एंड हाँ ट्रेन अच्छी चली रही थी, मुझे पता नहीं मैं एक्साइटिंग कहाँ पे हूँ, लेकिन मुझे अच्छा लग रहा है। सुबह सुबह लाइक साइड लोअर सीट है, बाहर इतना अच्छा नज़ारा, हाँ अंधेरा है लेकिन मुझे अच्छा लग रहा है। अभी वर्धवान जंक्शन के आउटर में है एंड बहुत जल्द वर्धवान जंक्शन आने वाला है। वेल ट्रैवलिंग में एक अलग सा ही मज़ा रहता है, लेकिन ट्रेन में ट्रैवल करने का जो मज़ा है ना वो सच में वो ट्रेन की पटरियाँ चेंज करने की जो आवाज़ है, वो ट्रेन जब कर्व लेता है वो नज़ारे, एंड इतने सारे ब्रिज से होके जाता है, इतने सारे लैंडफॉर्म्स हम देखते हैं, सच में दिल को छू लेता है। मुझे तो बहुत ही पसंद है लाइक ट्रेन जर्नी। वैसे तो हर टाइप की जर्नी में मैं मुझे बहुत अच्छा लगता है, लेकिन ट्रेन जर्नी में कुछ अलग सा ही एहसास है जो किसी और चीज़ या फिर किसी और टाइप के ट्रैवलिंग में एटलीस्ट मुझे उतना फील नहीं होता। अब इतना अच्छा लाइव नज़ारा और कहाँ मिल सकता है जर्नी के टाइम। जैसे कि मेरी ट्रेन ऑलरेडी एडवांस पे चल रही है, सो हम लोग हावड़ा से कुछ ही दूरी पे है और बहुत जल्द पहुंचने वाले हैं। एंड चलो 7:30 बजे एक्चुअल टाइम है, बट आई थिंक आई विल रीच हावड़ा स्टेशन बाय 7:11 AM। जर्नी थी और उसी के साथ एक छोटी सी कोशिश एक ब्लॉग बनाने की। आई होप जो भी आप में से देखोगे आप सबको अच्छा लगेगा। अगर आपको कोई भी सुझाव देना हो तो आप बेझिझक दे दो, और मैं ट्राई करूँगा अगले जितने भी ब्लॉग्स मैं बनाऊँ उसमें वो सारे सुधार इम्प्लीमेंट कर सकूँ बस। एंड उम्मीद करता हूँ आने वाले टाइम पे और भी ज़्यादा ट्रैवल करूँगा, और जितना ज़्यादा ट्रैवल करूँगा उतना ज़्यादा ब्लॉग मैं बनाऊँगा। एंड दैट्स इट। सो फाइनली हावड़ा पहुंच गया मैं, एंड बस अभी ट्रेन डीबोर्ड करने वाला हूँ एंड फिर ऑब्वियसली घर ही जाऊँगा, और कहाँ जाऊँगा।